जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाई, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाई। हमेशा उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करो और उसी को अपने भीतर समाहित करो और उसी का धन्यवाद करो का जितना दिया सरकार ने उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरे मालिक का, वरना मुझ में ऐसी बात नहीं। ये होता है समर्पण भाव। इतरा न जिंदगी पे इसका है क्या भरोसा, इतरा न जिंदगी पे इसका है क्या भरोसा। पानी का बुलबुला है, पानी का बुलबुला है, कब फूटे क्या भरोसा। इतरा न जिंदगी पे इसका है क्या इन भजनों को चेतावनी भजन कहा जाता है। ये जो डांगरी रात की परंपरा है, ये क्यों बनी परंपरा मालूम? डांगरी रात सब लोग कहते हैं, लेकिन डांगरी रात है क्या ये बहुत कम लोगों को मालूम है। शास्त्र की दृष्टि से देखें तो आपको बता देते हैं, वैसे तो शिवगंज वाले सब लोग जानते ही होंगे, बहुत जानकार व्यक्ति है यहाँ पर, लेकिन तब भी हम अपनी तरफ से बताने का प्रयास करते हैं। सगर को जब अश्वमेध यज्ञ करना था, ध्यान से सुनना, कभी कोई आपको पूछ ले जिंदगी में कि भाई ये डांगरी रात क्या होती है, डांगरी रात के पीछे हरि संकीर्तन क्यों होता है, क्यों भजन गाए जाते हैं, तो उसको आप सब प्रमाण डंके की चोट उसका उत्तर दे सके। राजा सगर जो अश्वमेध यज्ञ करता है, वो इस दुनिया का चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है। प्रभु श्री राम ने भी किया था, जिसका घोड़ा लवकुश ने पकड़ा था, बाद में छोड़ दिया था, वो अलग बात है। तो सगर राजा ने भी अश्वमेध यज्ञ के लिए एक घोड़े को नियुक्त किया। तो जो चक्रवर्ती सम्राट बनता है, तो इंद्र को चिंता लग जाती है कि कहीं मेरा सिंहासन कोई हड़प न ले। तो इंद्र ने षड्यंत्र करके उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि उस समय समाधि में थे। अब सगर को उसके घोड़े के बिना यज्ञ हो नहीं सकता, उसने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े को खोजने के लिए पीछे लगा दिया। जब उसके 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, तो उन्होंने उनके दिमाग में ऐसा आया कि ये कपिल मुनि की चाल है, जबकि ये चाल किसकी थी? इंद्र की। तो उन्होंने अनाप शनाप कपिल मुनि को बक दिया और बहुत उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। कपिल मुनि की आंख खुलते ही कपिल मुनि को यह देखते ही क्रोध आया कि ये लोग मेरे पे झूठा आक्षेप लगा रहे। उनके हिसाब से 60,000 पुत्र उसके वहीं पे वहीं लेट गए। अब सगर को घोड़े की तो चिंता दूर की बात, अब 60,000 पुत्रों का उद्धार कैसे करें? कपिल मुनि का शाप लगा है, बड़े तपस्वी। फिर 2-3 पीढ़ियां उनकी खप गई उस अनुष्ठान को करने के लिए। केवल भगीरथ गंगा नहीं लाया है, नाम भगीरथ का है ये बात सही है, लेकिन भगीरथ के पहले 2 राजाओं ने पूरा पूरा जीवन तपस्या में लगाया था। भगीरथ के पिता अंशुमान, उनके पिता, उन्होंने पूरा पूरा जीवन तपस्या की गंगा को धरती पे लाने के लिए, उनका पूरा जीवन और भगीरथ का आधा जीवन, तब जाकर के गंगा पृथ्वी पर
आई और गंगा जब पृथ्वी पर आई तो उसके मार्ग को बताने के लिए भगीरथ एक लकुटी लेकर के आगे आगे चले कि इस रास्ते से चलना। पहली बात तो गंगा भी नीचे धरती पे आने के लिए भगवान ने कहा कि उसके वेग को पृथ्वी सहन नहीं कर सकती, पहले तुम शिव को प्रसन्न करो। तो उन्होंने शिव की प्रार्थना की, फिर शिव ने जटा में समाहित किया, फिर एक जटा खोल करके उसको हिमालय के पर्वत पर उतारा, फिर वही गंगा कहीं अलकनंदा के रूप में, कहीं मंदाकिनी के रूप में, कहीं जाह्नवी के रूप में, वह कई धारों में आज भी भारत में विद्यमान है। स्वर्ग आदि लोगों में भी गंगा है अलग अलग रूपों में। तो गंगा की 108 धाराएं हैं जिसका वर्णन शास्त्रों में मिलता है। जो पढ़े उनको तो पता चले, नहीं पढ़ने वालों को तो भाई डांगरी रात को ये ऐसा अनभिज्ञ ही व्यक्ति रहता है। तो जब रास्ते के लिए भगीरथ आगे चले लकुटी लेकर के, डांग लेकर के, कई लोग उसकी बहन भी बताते हैं, किसकी? भगीरथ की बहन का नाम डांगरी। वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने मत को प्रकट करते हैं, लेकिन वास्तविक सच्ची घटना और प्रमाण की बात ये है। और वो जब गंगा को रास्ता बताते हुए गंगा सागर में ले गए और गंगा सागर में गंगा को समाहित कर दिया, और वो गंगा जिस रास्ते से गई उसमें 60,000 पुत्र भी सागर के आ गए और उनको पूरा उनका सबका उद्धार करते हुए फिर वो गंगा सागर में समाहित हुई। इसलिए हम लोगों के भी अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम होता है तो हम कहाँ जाते हैं? हर की पौड़ी, हरिद्वार जाते हैं कि नहीं? वहाँ पे क्या है? गंगा का स्वरूप है, गंगा का ही रूप है। वहाँ गंगा नित्य निरंतर बहती रहती है, निर्मल धारा है गंगा की, स्वच्छ धारा है, पवित्र धारा है। तो वो गंगा सागर में समाहित हुई, गंगा सागर में समाहित गंगा को करने के बाद में भगीरथ ने वहां पर बैठ करके पूरी रात भजन संकीर्तन किया। तब से ये परंपरा डांगरी रात की कि पूर्वजों के उद्धार के लिए, परिवार के बंधु बांधवों के उद्धार के लिए ये हरि संकीर्तन का और डांगरी रात में भजन गाने का कार्यक्रम तब से चला आ रहा है, तब से ये परंपरा है। इतरान जिंदगी पे पत्ता टूटा डाल से बोला जमीन पे गिर के, पत्ता टूटा डाल से बोला जमीन पे गिर के, फिर से लगूंगा तुझ पर, ओ फिर से लगूंगा तुझ पर भाई, लगने का क्या I'm not afraid to die।
कितना जिंदगी पे किसका है क्या भरोसा। करनी है जो भलाई भलाई कर डालो उसी को फौरन, करनी है जो भलाई भलाई कर डालो उसी को फौरन, उसे न टालो कल पर, उसे न टालो कल पर, भाई कल का है क्या भलो। देखिए कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं, इस बात को ध्यान से समझे। मान लो कल आ गया तब भी कल तो पेंडिंग ही रहा, और कल आप चले गए, कल में प्रवेश कर लिया आपने, तो कल भी आपके लिए वो आज ही रहा। इसलिए बहुत सोच समझ के किसी ने कहा है कि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं, इसलिए भलाई के काम को तुरंत करना चाहिए, शुभस्य शीघ्रम। करनी है जो भलाई कर डालो उसी को फौरन, उसे न टालो कल पर, उसे न टालो कल पर, भाई कल का है क्या भरोसा। इतना न जिंद भगवान की। माया है आनी जानी बानी टिकती नहीं कहीं पे, माया है आनी जानी ओ जानी, माया है आनी जानी बानी टिकती नहीं कहीं पे, राजा बने भिखारी राजा बने भिखारी, दौलत का क्या भरोसा। इतना न जिंदगी पे इसका है क्या भरोसा। पानी का बुलबुला है, पानी का बुलबुला है, कब फूटे क्या भरोसा। इतना न जिंदगी समय का कोई भरोसा नहीं, का समय समय में होत है,
समय समय की बात, एक समय का दिन बड़ा, एक समय की तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ी बलवान काबा लूटी गोपिया वे अर्जुन वे के वक्त जिसका साथ देता है तो वो अच्छे अच्छों को मात देता है, और वक्त जब मुंह फेर लेता है तो शेर को भी कुत्ता घेर लेता है। इसलिए समय की चाल को कोई पकड़ नहीं सकता। करनी है जो भलाई हर श्वास में तू रट ले, मालिक का नाम बंदे, हर श्वास में तू रट ले, हर श्वास में तू रट ले, हर श्वास में रट। ऐसा हो जाए तो फिर कोई बात की दिक्कत ही। 21,600 श्वास लेता है व्यक्ति एक दिन में, कितनी 21,600, उसमें वो भगवान का कितना नाम लेता है उसके ऊपर निर्भर करता है। हर श्वास में तू रट ले, मालिक का नाम बंदे, हर श्वास में तू रट ले, मालिक का नाम बंदे, जो श्वास बार क्या बात।